अध्यक्ष जी जरा आप इधर हो जाइए इधर सब इधर। अगर सरो खत्म हो जाती है डिग्रियों का नाम से डिग्री प्रधान से हमारी जो व्यवस्था निकल जाती है तो समझ लीजिए हम लोग मतलब आजाद हो चुके हैं। घंटा जी का जिसका आवाज आप लोग नारा लगा रहे कि मीडिया बंधुओं का सहयोग करिए। जनपद एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जनपद एकता जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय राज्य सफाई कर्मी संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय राज्य सफाई कर्मचारी मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नाम संजय कुमार चौधरी है। मैं उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संगठन का जनपद अध्यक्ष और वर्तमान में जो ये संयुक्त मोर्चा बना है पंचायती राज सफाई कर्मचारी संयुक्त मोर्चा, ये जनपद में दो बड़े हमारे गुट के रूप में जाने जाते थे, दो धड़े थे। इन्होंने कर्मचारी हित में ध्यान में रखते हुए एक संयुक्त मोर्चा बनाया हुआ है जिससे सभी सफाई कर्मचारियों का हित दिखाई दे रहा है, क्योंकि आने वाले 2019 का जो चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों का हित को ध्यान में रखते हुए एक मोर्चा का निर्माण किया गया है। हमारे मुद्दे हैं जो हमारे प्रोन्नति नहीं हो रही थी, हमारा जो प्रमोशन होना चाहिए, हमारी पेरोल व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए और हमारी एसीपी होने वाली जो है जो 10 साल के बाद कर्मचारियों का जो लाभ मिलता है तो एसीपी का हम लोगों का मुद्दा है, पुरानी पेंशन का मुद्दा है और हम लोगों का मूल वेतन 26,000। इन सारे मुद्दों को लेकर आज हम लोग जो है जिला मुख्यालय पर, हम लोग 75 जनपद मुख्यालय पर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले समय में अगर हमारी समस्याओं पर सरकार विचार नहीं करेगी तो आने वाले समय में 21 दिसंबर को हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, बड़े पैमाने पर हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, क्योंकि आने वाला जो समय है ये हमारी आखिरी लड़ाई होगी। ये सफाई कर्मचारियों का अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए आज जिला मुख्यालय पर हम लोग बड़ी संख्या में अभी जो है जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा, अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 21 दिसंबर को हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। हमारी 5 सूत्री मांगे हैं।